अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपने ब्रेकफास्ट से। मैं अभी उठी थी बल्कि मामा ने ही मुझे उठाया, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। तो मामा ने मुझे एक बर्थडे सॉन्ग गाकर उठाया, बहुत प्यार किया, बहुत सारी दुआएं दी, फिर सब बहन भाइयों ने मुझे विश किया। वैसे रात में ही 12 बजे सब ने मुझे विश कर तो दिया था, बट अभी फिर सब ने मुझे दोबारा विश किया। और मामा तो दिन भर करती हैं विश। फिर अच्छा, मैं नाश्ते के लिए आ गई, तो मैंने ये नाश्ते में ये हाफ फ्राई अंडा बनाए हैं, जिसके ऊपर मैंने ये कोटी लाल मिर्च स्प्रिंकल किया। लोग इस पर ब्लैक पेपर डालते हैं, बट मुझे ये ऐसे पसंद है। और साथ में ही मैंने ये 2 स्लाइस जो है मल्टीग्रेन ब्राउन ब्रेड के लिए हैं। तो ये मेरा नाश्ता है, मैं नाश्ता करती हूँ, फिर अपना आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो मैंने बर्थडे के लिए ये ड्रेस बनवाया था कि मैंने लाइम लाइट से परचेज की थी शर्ट, और इसको फिर मैंने स्टिच करवाया था, तो ये स्टिच होके आया था, तो फिर मैंने ऐसे रख दिया था। इसकी वजह से इसकी प्रेस भी थोड़ी ख़राब हो गई है, तो हम इसको मैंने कहा पहले प्रेस करने से पहले दिखा देती हूँ और फिर मैं रेडी होंगी। तो ये मैंने झबला स्टाइल में स्टिच करवाई थी, वैसे उसमें शर्ट थी और इसमें जो है कपड़ा काफ़ी ज़्यादा था, तो ये बहुत अच्छे से मेरा झबला स्टाइल बन गया, काफ़ी घेर वाला, जितना मुझे झबले में घेर चाहिए था इसमें आराम से आ गया, वरना यूजुअली पैंट्स में इतना कपड़ा नहीं आता एक्स्ट्रा, तो ये इसमें काफ़ी अच्छा खासा घेर जो है मुझे आराम से मिल गया। अच्छा, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी अपने ड्रेस की, तो इतने में एक जो है पार्सल आया, मतलब आप ही का पार्सल आया, तो उसने जो है मंगवाया था कुछ। तो अच्छा, वो मुझे ये नहीं पता था कि मेरे लिए मंगाया, वो पार्सल आया, तो उसका जो है वो गिफ्ट समझे मुझे पता चल गया, उसका सरप्राइज़ जो है वो ख़राब हो गया, क्योंकि वो मेरे ही सामने आ गया, मुझे पता चल गया कि हाँ ये मेरे लिए ही है। अच्छा, तो फिर उसने मुझे ये दे दिया गिफ्ट के, ये लो ये तुम्हारे लिए ही था, अब तुमने देख लिया, वरना मैं उसको अच्छे से पैक करके दी थी। सो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब चलो इसको चेक करती हूँ मैं खोल के कि क्या है, मतलब ये तो मुझे पता चल गया हाँ कहीं ड्रेस ही है, तो उनका चलो देखते हैं। तो ये ओरिएंट का शर्ट पीस है, हाँ, और मैंने ये कलर इसलिए ऑर्डर किया था कि ये थोड़ा डिफरेंट समरी कलर है, समर में वैसे भी ठंडे ठंडे कलर, ये कलर था भी नहीं है भी नहीं हाँ, मेरे पास तो, और मुझे पता है मैं लेने का सोच ही रही थी ये कलर, वो थोड़ा डिफरेंट ठंडा ठंडा कलर, मुझे बहुत देख के आंखों को सुकून देने वाला कलर। अच्छा, है ये कलर ना मैंने कहीं देखा था, मैंने सोचा था मैं ना ये जो है कलर लूंगी, और लकीली ये मुझे ऐसा गिफ्ट ही मिल गया। तो ये इसका कभी कभी ऐसा होता है, बंदा जो सोचता है वो चीज़ मिली खुद ही आ जाती है। हाँ, मतलब मुझे लेना नहीं पड़ा, अब तो मुझे देखते ही इंस्टेंटली इसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था, इसका डिज़ाइन और कलर ने। अच्छा, समर्स में इस तरह की प्रिंट्स क्योंकि अच्छे लगते हैं, लाइट से फ्लावर्स वाले। एग्जैक्टली, और कराची में जो गर्मी है ना, आप डार्क कलर यहाँ नहीं पहन सकते। एंड आई रियली रियली लाइक द गिफ्ट, मुझे जो कलर चाहिए था वो मुझे मिल गया, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। अच्छा, मैं रेडी होकर बैठी थी, इतने में रूम आ थोड़ी देर बाद मामू के साथ आ गई मेरे लिए गिफ्ट लेके, उसे एमरजेंसी में कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर वो मेरी पसंद की सारी चीज़ों का एक गिफ्ट बॉक्स बना के ले आई, जिसमें से काफ़ी सारी चीज़ें तो मेरे बहन भाइयों ने खा ली, और उसकी पैकिंग भी खोल दी थी। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो क्लिप बनाया नहीं, तो फिर मैंने कहा चलो अब इसका ही मैं जैसे तैसे करके क्लिप बनाती हूँ। और फिर इसमें जो डेरी मिली थी वो उठा के मैंने फ्रीज़र में रख दी, क्योंकि मेल्ट हुई थी गर्मी की वजह से, सो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। अच्छा, फिर रात में खाने के लिए मटका बिरयानी लेकर आए, ये जो है चिकन एंड बीफ दोनों थे, और हमने ये पहले भी ट्राई की थी, तो ये मुझे हम लोगों को बहुत पसंद आई थी, तो फिर आज हम लोगों ने वहीं से ये मटका बिरयानी मंगवाई। अच्छा, तो ये ना मटके की इसमें पैकिंग इन्होंने इतनी अच्छे से की होती है कि ये काफ़ी देर भी रखे ना तो गर्म ही रहती है, इसका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट होता है नॉर्मल बिरयानी से। हाँ, ये स्पेशल मैं ना फॉइल हटा के आपको दिखाती हूँ, ये ना देखने में भी बहुत अच्छी लग रही होती है, टेस्ट तो अच्छा है ही बट दिखने में ये अच्छी लग रही होती है। ये देखें, उन्होंने ना ऊपर से इस पर जो धनिया गार्निश किया हुआ, इसकी वजह से ये वो अच्छा सा एक जो है ना देखने में लग रहा है। अच्छा, मैं स्पून से थोड़े से उठा के दिखाती हूँ चावल, ये इसमें चावल भी जो है अच्छा है, एक होता है ना खिला खिला चावल और बड़े चावल, अच्छे उन्होंने जो है राइस क्वालिटी ली है। ये मैंने इसका हर एंगल से रिकॉर्ड कर लिया है, ये देखें, ये देखने में ही बहुत अच्छी लग रही है ये शक्ल से। अच्छा, फिर हमने डिसाइड किया कि हम इसको एक ही जगह बड़ी ट्रे में निकाल लेते हैं एक एक करके, क्योंकि जो होता है ना एक ट्रे में खाने का मतलब थाल स्टाइल वो उस तरह से बहुत, अब थाल तो था नहीं, तो हमने इसे एक ट्रे में ही निकाल लिया।
ऐसा ना, मुझे लगता है टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है गरम गरम आप खाओ। ये बहुत ज़्यादा गर्म थी। अच्छा लास्ट टाइम ज़्यादा टेस्ट अच्छा था मुझे। हाँ। इस बार बस लास्ट टाइम जब हमने मंगवाई उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा था, बट ये भी अच्छा ही है। अच्छा तो मैं बिरयानी खाने के बाद कुछ मीठा खाने का दिल हो रहा था, तो फ्रिज में जो मैंने डेरी मिल्क रखी थी वही मैंने निकाल ली और फिर सब। आज मेरा डेरी मिल्क का पता नहीं मूड नहीं हो रहा था, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जबकि मेरी फेवरेट है। फिर आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू लाइक इट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।